के बाद हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं, हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पीजीआई चंडीगढ़ से पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह। डॉक्टर मीनू, जैसे कि हम बात कर रहे थे बच्चों की समस्याओं के बारे में और हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं पारुल बोल रही हूँ, गुड़गांव से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मीनू से। हाय डॉक्टर, मेरा बेबी अभी 6 मंथ्स का है और उसका वेट 6.9 kg है। 5 मंथ्स के थे तब भी उसका वेट 6.9 kg ही था। बेसिकली वो सिर्फ मेरा फीड ले रहा है अभी तो। तो मैं थोड़ा उसका वेट को लेकर कंसर्न थी कि उनका वेट नहीं गेन हो रहा है, तो अभी मैं क्या करूँ कि वो थोड़ा वेट उनका गेन हो। और दूसरी चीज ये थी कि अब मैं उनको थोड़ा सा ऊपर का दूध भी शुरू करना चाहती थी, तो मैं क्या मिल्क शुरू कर सकती हूँ? एक्चुअली जो आप वेट बता रही हैं उसका 6.9 kilos, विच इज बिल्कुल ठीक वेट है वो। जनरली इस उम्र तक बच्चे अपने बर्थ वेट को डबल करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके बेबी ने अपने बर्थ वेट के डबल से भी ज्यादा कर लिया होगा। एंड एक महीने में अगर वेट गेन नहीं हुआ है तो इतनी कोई घबराने की बात नहीं है, पर अब जैसे टाइम आ ही रहा है 6 मंथ्स के बाद आपको कुछ ना कुछ दूसरी चीजें शुरू करनी चाहिए बच्चे के लिए। और जैसे पहले बताया, आप उसको थोड़ा मूंगी की दाल या थोड़ा चावल को मैश करके या केला मैश करके, लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि एक टाइम पे आप एक ही चीज दीजिए और पहले एक हफ्ता भर वो थोड़ी थोड़ी देके उसको बढ़ाइए, ताकि अगर उसको बच्चे को कोई उससे रिएक्शन होता है या कोई एलर्जी होती है तो उसका पता चल जाता है, और फिर धीरे धीरे आप उसको खाने की चीज जो है वो बढ़ा सकती हैं। दूसरा मिल्क जो देना है उसमें कोई डिब्बे का मिल्क देने की जरूरत नहीं रहती है, जो जैसे आपका अभी 6 मंथ्स के बाद ही, लेकिन आप उसे शुरू करना, आप जो नॉर्मल मिल्क आपके पास आता है वो ही दे दीजिए। उसके ऊपर से आप चाहे उसकी क्रीम वगैरह निकाल के आप उसको दे सकते हैं, लेकिन बॉटल मत यूज करिएगा। आप उसको कटोरी चम्मच से या छोटी सी ग्लास के साथ आप उसे दूध पिला सकते हैं। जी पारुल, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर मीनू, देखते हैं कुछ और कॉलर है उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रही हैं और अपना नाम बताइए? अमृतसर से बोल रही हैं मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम ऐसा है कि मेरे जो है ना प्रेगनेंसी हो जाती है कुछ दिन बाद, जो डॉक्टर से मतलब मेडिकल वगैरह चलती पड़ी है, तो वो कहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ नहीं बनती है, तो कुछ दिन बाद जो प्रेगनेंसी है वो डिस्टर्बेंस में हो जाती है। इस दो बार ऐसे हुआ है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए मैम? अच्छा, दो बार ऐसे हो चुका है कि आपका मतलब आपने खो दिया बच्चे को, है उसकी ग्रोथ ठीक नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको ना पहले ही, एक्चुअली हाई रिस्क आपकी प्रेगनेंसी है, तो आपको कंसीव करने से पहले ही एक तो डॉक्टर से मिल लेना है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी किसी से मिल लेना है जो मतलब स्त्री की बीमारियों से ज्यादा संबंधित रहते हैं। और दूसरा, उसके बाद जब कंसीव होता है बच्चा, उसके बाद भी बहुत सी चीजें की जा सकती हैं जिसकी वजह से मतलब आप बच्चे को प्रिजर्व कर सकते हैं, और ये भी देखना जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए आपके टेस्ट किए जाएंगे। वो आप इनफैक्ट आप इवन प्रेगनेंसी होने से पहले एक बार कंसल्ट कर लीजिए, और उसके बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है स्टार्ट, जब आप कंफर्म कर लेती हैं, उसके बाद फिर से जल्दी ही दिखाना शुरू कर दीजिए, और वो विद एडिक्वेट प्रिकॉशन आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप एक सेफली मतलब बच्चा ले सकेंगे। डॉक्टर मीनू, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आप अपना नाम बताइए? जी मैं कोमल बोल रहा हूँ, मानसा डिस्ट्रिक्ट से दुर्गा से बोल रहा हूँ जी। जी कोमल, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर से। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग जी। हमारे रिलेटिव का एक बच्चा है, उसकी एज 3.5 इयर्स है, 3.5 इयर्स है उसकी एज, और वो पूरी तरह बोल नहीं पाता है, मतलब अच्छी तरह नहीं बोल पाता। अच्छा, है वो प्रॉपर नहीं बोल पाता है। ओके, वैसे थोड़ा बहुत बोलता है, थोड़ा बहुत बोलता है मम्मी पापा, मतलब जैसे कि नॉर्मल बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, मतलब वैसे उसने स्कूल जाना नहीं शुरू किया अभी। एनीवे, 3 साल कोई ऐसी उम्र नहीं है कि बच्चे को स्कूल जाना ही चाहिए, पर फिर भी उसकी स्पीच डेवलपमेंट के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसकी, आपको लगता है कि काफी नहीं है अगर, एक तो दूसरा ये कि बच्चे के साथ बातें करिए, जो मतलब उसके पेरेंट्स हैं या उसके आसपास जो भी लोग हैं उसको, और दूसरे बच्चों के साथ खेलने दीजिए, उसके जो हम उम्र हैं जो ज्यादा बातें करते हैं, उससे भी बच्चे में बोलने की कैपेसिटी डेवलप होती है। दूसरा थोड़ा ये देखने की जरूरत है कि उसको सुनाई ठीक से देता है कि नहीं देता है। कई बार ऐसे होता है कि हम
हियरिंग लॉस को मिस कर जाते हैं और उसकी वजह से स्पीच डेवलप नहीं हो पाती है। तो ये सब इन सब चीजों के लिए आप स्पीच थेरेपी किया जाता है और उसमें भी दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उससे अगर अच्छे से आप ज्यादा उसको एक्सपोज करेंगे, जैसे बच्चे जो आपस में जब खेलते हैं तो आपस में हर उसकी बात इशारों से ही, जैसे कई बार समझा देते हैं बच्चे, उससे नहीं समझेंगे, उससे जो बोलने के लिए स्टिमुलेट करेंगे तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक हो जाएगा उसका। जी कोमल, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, हाँ जी, आप कहाँ से बोल रही हैं और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गगन है, मैं बठिंडा से बोलती हूँ। जी गगन, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मीनू से। एक्चुअली मैम, मेरा बेबी है 1 ईयर का, तो ना व्हाइट कलर की पोटी करता लैट्रिन। अच्छा, तो हमेशा ही व्हाइट कलर की करता है? नहीं, हमेशा नहीं करता, उन्हें वो फर्स्ट टाइम की है। अच्छा। 3-4 दिन तो रेगुलर करता। कितनी पतली है कि वैसे ठीक है, नॉर्मल? थोड़ी पतली करता। अच्छा, उन्हें कोई घर विच कहंदे ने कि बच्चे नू कोई ओदा गल विचो प्रॉब्लम होई आ, कां डिग गया। अच्छा, एदा की रीजन हुंदा है? नहीं, ऐसा कोई घबराने की गल नहीं हैगी। वैसे कई बारी ओदा देखो कि यूरिन दा रंग किस तरह दा हैगा, येलो कलर दा करदा है। अगर ज्यादा येलो है तो कई बारी ओदे लई ओदा चेक कराना जरूरी है, क्योंकि कई बारी अगर जॉन्डिस होए या मतलब पीलिया अगर होए किसी नू, तां सफेद रंग दी थोड़ी पोटी आ जांदी है। ओदे लई बच्चे नू किसी डॉक्टर नू दिखा दो कि अखां च कोई पीलापन या वैसे स्किन ते कोई पीलापन तो नहीं हैगा। अदरवाइज कदे कदे ऐसा व्हाइट कोई चीज बच्चा ऐसी खा लेंदा तो ओदे नाल भी व्हाइट पोटी जेड़ी है वो आ सकती है। ओदे लई ज्यादा घबराने की गल नहीं, पर एक बार तुसी मेखल डॉक्टर नू दिखा लो तो ठीक रहेगा। ठीक है मैम। जी गगन, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर मीनू, हमारी बातचीत जारी रहेगी बच्चों की समस्याओं को लेकर। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर मीनू सिंह हमारे और आपके सवालों के जवाब देंगी, लेकिन आप हमें फोन करना ना भूलें क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में। क्या आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। डॉक्टर मीनू, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सुरेश बोल रहा हूँ, हरियाणा से। जी सुरेश जी, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। यस मैम। हाँ जी मैम, ऐसा है कि मेरा बेबी है 6 मंथ का, तो वो मतलब वैक्सीन करता नहीं है, उसको कैप्सूल वगैरह देना पड़ता है, तो उसके बारे में कुछ पूछना है। क्या नहीं करता? लैट्रिन करता नहीं। अच्छा, लैट्रिन कॉन्स्टिपेशन है उसको? हाँ जी। 2 साल का है बच्चा? नहीं, 6 मंथ का मैडम। 6 मंथ का है। अच्छा, तो उसको आप दूध कौन सा पिलाते हो? फीड करवाते हैं मैडम, मदर फीड। मतलब ब्रेस्ट फीड देते हो? यस मैम। अच्छा ठीक है, तो कितनी बार मतलब दिन में एक बार तो कर लेता है कि नहीं कर पाता? नहीं, एक बार भी नहीं कर पाता मैडम। अच्छा, तो उसके लिए ऐसे एक तो ये है कि आजकल के मौसम में थोड़ा फ्लूइड की कमी हो सकती है मतलब, तो लेकिन ब्रेस्ट फीड में, अगर ब्रेस्ट फीड ही आप कर रहे हैं उसमें होनी तो नहीं चाहिए, पर अब आप उसको एक्स्ट्रा थोड़ा जैसे कि एप्पल थोड़ा स्टू करके थोड़ा सा आप उसको एक्स्ट्रा दे सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादा हम दवाइयां इसके लिए देना ठीक नहीं समझते हैं इस उम्र में, और थोड़े से टेस्ट मतलब बच्चे के करा लेने चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है तो कई बार कोई इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम या कई बार थायराइड की प्रॉब्लम अगर बच्चों में हो तो भी उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, तो एक बार चेकअप कराना आपके लिए ठीक रहेगा। कैप्सूल दे रहे हैं वो मतलब ठीक है? हाँ, वो कैप्सूल वगैरह तो मत दीजिए आप, उसको आदत जैसी उससे पड़ जाएगी अगर, और वो देखना जरूरी है कि वो कई बार जो इंटेस्टाइन है वो नीचे से नैरो होती है, तो वो देखना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि आपको ये सब देना पड़ रहा है उसके लिए। जी सुरेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। एक और कॉलर है डॉक्टर, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ।
जी आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरे बच्चा इसी के साथ था, उसको खांसी नहीं आ रही थी, काफी देर से बताएं। जी रविंद्र जी आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराइए। खांसी की प्रॉब्लम है, बच्चा 6 साल था। अच्छा 6 साल का है और खांसी की प्रॉब्लम है। खांसी नहीं आ रही, काफी अच्छी ट्रीटमेंट कराई। मतलब सूखी खांसी रहती है कि बलगम भी आती है? नहीं, बलगम आती है। बलगम आती है। और कब से, शुरू से ही है खांसी की अभी हुई है? हो गई 5-6 महीने हो गए। अच्छा 5-6 महीने। देखो इस उम्र में थोड़ा एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो कई बार उसके लिए भी चेकअप करना जरूरी है कि कोई दमे की शिकायत या कोई वैसे साइनोसाइटिस वगैरह से भी खांसी परसिस्ट कर सकती है, तो बच्चे को थोड़ा देखना पड़ेगा। उसको अपने आप ही मतलब दवाइयां मत देते रहिए, थोड़े डॉक्टर को दिखाना उसको जरूरी रहेगा, तो उसका फिर हम लंग फंक्शन देख के और उसका एग्जामिनेशन करके, हो सकता है चेस्ट एक्सरे भी करवाना पड़े। तो 6 महीने की खांसी जो है वो थोड़ी लंबी है। रात के वक्त खांसी ज्यादा आती है, कभी रात को उठा है खांसी से? रविंद्र जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हाँ डॉक्टर आपसे पूछ रही, क्या वो रात के समय खांसी ज्यादा आती है बच्चे को? रात के समय और सुबह ज्यादा आती है। हाँ तो वो थोड़ा एलर्जी का साइन है, जो रात को या सुबह के वक्त ज्यादा जिन बच्चों को खांसी आती है सुबह सुबह को, तो उसके लिए हमें उसको देख के तो फिर उसको प्रॉपर दवाई जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। आपकी फैमिली में किसी को अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है तो उसके चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जी रविंद्र जी आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। एलर्जी की बात कर रही थी आप, बच्चों में बहुत ज्यादा जैसे कफ वगैरह कोल्ड वगैरह देखने को मिलती है जो कि एलर्जी को लीड कर जाती है, तो उस समय बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम होती है? उससे ज्यादातर बच्चों को खांसी होती है एक तो, दूसरा उसको कभी कभी छाती से आवाज आती है जिसे हम वीजिंग कहते हैं, उसमें सांस सांस की आवाज आती है, दूर से ही सुना जा सकता है उसे जी। तीसरा उसमें बच्चे की सांस में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको सांस में घुटन महसूस होती है या नहीं वो सांस ले पाता, कई बार ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब चीजें अगर हैं तो हमें जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और डिपेंडिंग ऑन कि इन्फेक्शन की वजह से है, एलर्जी की वजह से है या किसी और वजह से है, तो उसके लिए फिर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो है वो देना बहुत जरूरी है जी। और एलर्जीज आपको मालूम है जैसे बाहर जो आजकल पॉलन होता है एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से हो सकती है। अब वीट सीजन शुरू होने वाला है जैसे, सो वीट में जब वीट थ्रेशिंग होती है, ये जो कॉलर हमारे जिन्होंने अभी कॉल किया था, तो हो सकता है कि उनके बच्चे को उसकी वजह से एलर्जी हो रही हो, तो ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी है। और फिर बच्चों को अवॉइड करना चाहिए उस तरह की एनवायरनमेंट में जाने से, और घर के अंदर भी थोड़े कार्पेट्स वगैरह कम रखें, हैवी कर्टन्स ना डालें, थोड़ा सफाई का ध्यान रखें, धुआं नहीं होना चाहिए, सिगरेट ना पिएं। सो ये सब प्रिकॉशंस जो हैं वो लेनी बहुत जरूरी है जी। डॉक्टर मीनू आप हमारे स्टूडियो में आए, बच्चों की समस्याओं के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित आज का हेल्थ लाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@dnightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थ लाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों का जवाब देकर। तब तक के लिए नमस्कार।